अपनी हवस को शांत करने और चंद सिक्कों के लालच में दो नाबालिग लड़कियों को गलत काम करने में धकेलने से पहले आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा की तत्परता ने लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी चर्चा पूरे जिले में की जा रही है। तस्वीर झांसी जिले के बरुआसागर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी की है, जहां दो युवकों द्वारा मानवीय संवेदना को तार तार करते हुए नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अगवा करके उनके साथ गलत काम कर उनको बेचने से पहले पुलिस ने तत्परता से युवकों को गिरफ्तार करते हुए लड़कियों को बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली है। बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी अंजलि विश्वकर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले दो नाबालिग लड़कियों को दो युवक कार्तिक रजक सनी निवासी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के थाना दिनारा निवासी ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पहले दोस्ती कर लड़कियों को विश्वास में लिया, फिर रंगीन दुनिया के सपने दिखाते हुए प्रेम जाल में फंसा कर फर्जी शादी रचाई। इसके बाद लड़कियों को झांसी रेलवे स्टेशन पर बुलाकर उनको बहला फुसला कर अगवा करते हुए रफू चक्कर हो गए। बताया कि एएसपी अंजलि विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग और साइबर सेल की मदद से गुमशुदा दोनों लड़कियों की लाइव लोकेशन पूरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेस करने में सफलता प्राप्त कर ली है। बरुआसागर से अनूप साहू की रिपोर्ट। मैडम, क्या मामला है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, क्या पूरा मामला है? ये एक माइनर लड़की की बरामदगी का मामला है। 29 जून को मुकदमा लिखवाया गया था 117/363 आईपीसी के अंडर, जिसमें एक अडल्ट लड़का जिसका नाम कार्तिक रजक पुत्र दिनेश रजक है, जो मेरे पीछे खड़ा है, ये एक माइनर लड़की को भगा के ले गया था जिसकी हम तलाशी कर रहे थे। मैम, क्या पूरा मामला था? इनको कहां से बरामद किया गया है? क्यों ये लड़की को ले गए थे? तो लड़की को तो इसलिए ले गए थे क्योंकि आपस में शादी करना चाह रहे थे और ये लोग भाग गए थे यहाँ झांसी से। 29 तारीख से पहले, एक दो दिन पहले, उसकी माताजी यहाँ पर आई थी, तो हमने मुकदमा लिखवाया था शीघ्र ही। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे इन्फॉर्मर्स भी थे जिन्होंने इनसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉलिंग की, उसको रिकॉर्ड कराया, उसमें से दरवाजे का पैटर्न पता चला जहाँ पर ये थे। हम लोगों को अपने सर्वेलेंस से एरिया का पता चल गया कि किस एरिया में ये लोग थे, तो उस एरिया से गूगल मैप में हम लोगों ने बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ देखी, स्ट्रीट व्यू यूज़ किया और करीब एक घंटे तक स्ट्रीट व्यू यूज़ करने के बाद हमको उस बिल्डिंग का पता चल गया जिसका दरवाज़ा उस वीडियो कॉल से मैच करता है। तो वो एग्जैक्ट बिल्डिंग थी जहां पर ये छुपे हुए थे, तो हमने अपनी टीम को रवानगी की थी और वो जगह पुणे में थी। मैम, कहाँ से बरामद किया? पुणे में किस जगह से बरामद किया गया? इसके आगे मैं विवेचक रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था। इसको बरामदगी के दौरान एक अपहर्ता जो भौती थाना भौती शिवपुरी की रहने वाली थी, वो भी वहाँ पे मिली। उसको भी अपहर्ता ने चंगुल में रखा था, उसको भी पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको छुड़ा के लाए और भौती पुलिस की सुपुर्द में किया। मैम, आरोपी पे क्या कार्रवाई की जा रही है? विधिक कार्रवाई की जा रही है, समुचित धाराओं में मुकदमे में धाराएँ बढ़ाई गई हैं, 363/66, 366, 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, और उसको न्यायालय भेजा जा रहा है। ठीक, थैंक यू। टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।